Okay, students, welcome to Poonam classes. Today we are going to start the next topic of physics in current electricity, that is meter bridge and potentiometer. Clear? आज हम आपको मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में बताते हैं. क्लियर? आप तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे. मीटर ब्रिज का हमने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. क्लियर? तो आप एक चीज़ देखिए, मीटर ब्रिज क्या है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था. उसमें क्या होता है कि चार रेजिस्टेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं, तो उनको जो बैलेंस्ड कंडीशन पर चारों रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है. क्लियर? तो यानी पी वाई क्यू इज इक्वल टू आर वाई एस, इस प्रकार से हमने उसको डेराइव किया था. अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक मीटर ब्रिज का आपके लिए डायग्राम बनाया है. यहाँ पर हम ये दो स्ट्रिप्स ले लेते हैं, एक एल शेप स्ट्रिप ये है, एक एल शेप स्ट्रिप ये है, और एक बीच में स्ट्रिप ये बी सी लगी हुई है. क्लियर? ए और सी के बीच में एक हमने क्या है, एक वन मीटर लेंथ का एक वायर लगाया हुआ है. क्लियर? तो इसकी लेंथ वन मीटर होने की वजह से क्या हो गया, ये मीटर ब्रिज कहलाता है. ओके? तो इसमें हमने क्या करते हैं, सेम प्रिंसिपल वही है, उसी जैसा पोटेंशियोमीटर सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देखेंगे, यहाँ पर देखो, हमने ये दो ए और बी यानी एक स्ट्रिप के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, एक हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया है. एस जो है आपका अननोन रेजिस्टेंस है. क्लियर? ओके? तो एस आपका अननोन रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है. अब हमको क्या करना है, देखो ये यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है ई, यहाँ पर एक ये की है के, स्विच है आपका. आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, इसमें सबसे मेन थिंग क्या है कि हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या पढ़ा था, पी वाई क्यू इज इक्वल टू आर वाई एस पढ़ा था. तो उसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो R और S ये हमारे हो गए, जैसे ये रेजिस्टेंस बॉक्स को इसको हम कंप्लीट R मान लेते हैं, तो ये R हो गया और ये S यानी अननोन रेजिस्टेंस है, जिसका वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस. क्लियर? ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, हम इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पर ये सेल लगा हुआ है. अब आप एक चीज़ देखिए, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है. क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर के हमने ये आपको एक वायर लगाया, इस वायर में हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जी. ओके? समझ में आया? तो इस गैल्वेनोमीटर से अब आप एक चीज़ देखिए, ये वायर जो है आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल ए जो है, ए इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सी इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब आप देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पर हम हैं तो पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पर है तो पोटेंशियल लो होगा. क्लियर है? यहाँ पर जो ये सेल लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस ये जॉकी रहती है, ये जॉकी, जॉकी क्या होता है, एक स्लाइडर होता है जो वायर के ऊपर स्लाइड हो जाता है, जिससे हम उसका करंट में डिस्टर्बेंस नहीं आता है उसमें. तो हम इसको जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, तो आप देखेंगे ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा. तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या होगा, अगर हम इस जॉकी को इधर लाएंगे तो यानी कि हाई पोटेंशियल होगा यहाँ पे, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इधर को देगा, अगर हम इस जॉकी को इधर ले जाएंगे तो ये इधर को देगा. क्लियर? तो निश्चित है कि इसमें बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जो नल पॉइंट होगा. नल पॉइंट के मीन्स जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में जो पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने क्या देखा था कि जो चारों रेजिस्टेंस एक आर्म्स ऑफ द रोम्बस पे लगे हुए थे, तो उसमें भी एक हमने सेंटर में एक गैल्वेनोमीटर लगाया था, उसमें आपको याद हो, उसमें हम क्या करते थे, करंट फ्लो नहीं होता था यानी बैलेंस्ड कंडीशन पर. क्लियर? तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें क्या किया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया. अब आप लोग जानते होंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है, पी इज
इज इक्वल टू रो इनटू एल, क्लियर। यानी कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रो, रो इज द रेजिस्टिविटी, क्लियर। तो उस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रेजिस्टेंस जैसे है कोई, अगर हम रेजिस्टेंस मान लें तो इट इज रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल यानी कि लेंथ, लेंथ हमने क्या माना, अभी हम इसको पोटेंशियोमीटर में समझेंगे क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो रो मीन्स क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट है। एल क्या है, रेजिस्टेंस है आपका, सॉरी लेंथ ऑफ द वायर, क्लियर। तो ये जो रेजिस्टेंस रो क्या हुआ, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस मान लिया हमने, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर पर यूनिट लेंथ। और उस लेंथ में एल, अगर एल लंबाई तक आपका रेजिस्टेंस कोई वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इनटू एल, क्लियर। तो इट मींस क्या हुआ, रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, सिंपल बस ये जान लेते हैं हम इसको। तो यानी कि इसका जो पॉइंट है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये अननोन है, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर। तो अब आप देखिए, जैसे ही हम इसको स्लाइड करेंगे, सपोज करो हमको ये लेंथ पता चला इसका, दिस इज एल, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पी मान लिया हमने, पी इज इक्वल टू रो इंटू एल। और रो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर पर यूनिट लेंथ, ओके। तो इस मीन्स क्या हुआ, इसका पी जो आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस। अब आप देखो, सिंस देखो ए बी इज इक्वल टू एल, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, आपको मालूम है ये आपका मीटर ब्रिज है, तो लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। सो इट मीन्स इसमें क्या हुआ आपका, 1 मीटर हुआ, तो यानी कि 100 माइनस एल, यानी कि इसको सेंटीमीटर कह सकते हैं हम, एल सेंटीमीटर और दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हम ये वायर कौन सा लेते हैं, तो वायर हम इसमें यहाँ पर वो लेते हैं कॉन्स्टेंटन और मैंगनिन का। क्यों लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अदर मेटल का वायर अगर हम लेते हैं तो उनका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी ड्रास्टिक चेंज आता है उनमें रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर पे, इस पे उतना नहीं आता है, क्लियर। और ये भी आप जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो वो करंट की वजह से उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि हीट बढ़ेगी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के फॉर्मूले की वजह से उसमें हीट आएगी, हीट की वजह से उसका क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। इसमें क्या है, बहुत माइन्यूटली चेंज आता है, इसलिए हम इसमें ये वायर लिया जाता है कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का, क्लियर। तो रेजिस्टेंस इसका क्या हुआ, पी इज इक्वल टू रो आर एल, सॉरी रो एल, तो यानी पी इज इक्वल टू रो एल, एंड इस वायर का रेजिस्टेंस क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक का बी सी का, बी सी का क्या हुआ आपका, सपोज करो क्यू मान लेते हैं, तो दिस इज रो इंटू 100 माइनस एल, अंडरस्टैंड, क्लियर है कि नहीं। तो यानी इसमें किया क्या हमने, सिंपल डेरिवेशन, सिंपल प्रैक्टिकल है कि आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस उठाया, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर से ये गैल्वेनोमीटर इस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी लगाई, जॉकी से हम मूव करते गए तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया जिस जगह पे नल डिफ्लेक्शन हुआ। नल डिफ्लेक्शन का मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि करंट इज़ नॉट पासिंग थ्रू दिस, क्लियर। तो यहाँ से नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया। तो जब आपको पता है कि बैलेंस्ड कंडीशन पर ये ब्रिज हो जाता है तो पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये हम व्हीट स्टोन ब्रिज में कर चुके हैं इसको प्रूफ, तो आपको याद होगा। देखो जे आर है, जे एस है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, तो इट मीन्स पी का वैल्यू हमने क्या रखा, रो एल अपॉन रो 100 माइनस एल, क्लियर, एंड आर अपॉन एस, ये रो कैंसिल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। तो यानी कि क्या हुआ कि यहाँ से अगर हम चाहें तो S हमारे को मिलेगा S इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू आर अपॉन L। इन दिस वे वी कैन फाइंड द
वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. अंडरस्टैंड? यानी इस प्रकार से हम इसकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज. क्लियर? एक्चुअली में क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का. ओके, तो ये तो हो गया आपका इसका. अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं. नेक्स्ट आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताते हैं. पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर में आप क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर वैसे पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है. कि सिंपल है, जैसा इसका नाम है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट है. हम इसका किसी का भी पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन मेज़र. क्लियर? अब इस पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियोमीटर हम निकालते हैं तो इसका मतलब वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर होता है उससे भी तो हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं. तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपने मान के चलो, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम आपको बहुत सिंपल सा, कि जैसे सपोज करो कोई ये डायग्राम, ये रेजिस्टेंस है, सपोज करो दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम. अंडरस्टैंड? अब हमने क्या किया कि इसमें हमने आपका करंट बहाया सपोज करो 5 एम्पियर का. अगर हम इसमें करंट 5 एम्पियर का बहाते हैं तो अल्टीमेटली ओम्स लॉ के द्वारा V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि 5 into 2 is equal to 10. यानी आपका जो मतलब पोटेंशियल क्या आया, V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस. तो इस मीन्स क्या हुआ कि आपका जो पोटेंशियल हुआ वो 10 वोल्ट हुआ. अंडरस्टैंड? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम इसको वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया. यहाँ पर वोल्ट मीटर, आपको याद है वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो वोल्ट मीटर को जैसे ही हमने कनेक्ट किया उसके साथ, तो वोल्ट मीटर आपका 10 नहीं शो करेगा. नहीं आया समझ में? वोल्ट मीटर 10 शो नहीं करेगा क्योंकि इसका करंट यहाँ से इधर को डिवाइड हो जाएगा. जब करंट इधर डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि चेंज आ जाएगा कुछ करंट में, दो जगह डायरेक्शन चेंज होगा तो करंट में चेंज आएगा. तो कुल मिला के इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है ये 7.5 बताए, 8.5 बताए, जो भी बताए, बोलो थोड़ा 10 नहीं बताएगा, कुल मिला के 10 से थोड़ा कम बताएगा आपको. तो इट मीन्स क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आपका. समझ में आया? यानी इससे हमको एक चीज़ पता चला कि इसमें पोटेंशियल वो नहीं मिला जो हमें मिलना था. लेकिन हम उसके लिए हम थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये काम चल जाता है वोल्ट मीटर से. लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर से हम लगभग एक्यूरेट पोटेंशियल मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पोटेंशियोमीटर को यूज किया जाता है. क्लियर? तो पोटेंशियोमीटर में वैसे क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन में हम आपको बता देते हैं. सिंपल एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें दो पॉइंट लगे रहते हैं, इसमें इस तरीके से वायर कनेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर एक जॉकी लगाई जाती है. तो उसका सिंपल सर्किट डायग्राम हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं. सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि ये ए बी एक वायर है आपका. क्लियर? ये यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है और ये रोस्टेट होता है आपका. यहाँ पर हमने एक ये रियोस्टेट लगाया है. रियोस्टेट क्या होता है आपका? रियोस्टेट आपका मतलब करंट को चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है, करंट और पोटेंशियल को दोनों को चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है. क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसका एक और काम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम मेज़र कर सकते हैं इससे, एक और इसका काम होता है, आप अगर चाहें देखें तो हम दो सेल्स का ईएमएफ भी कंपेयर कर सकते हैं. दो सेल के द्वारा हम इसमें वो भी हम मेज़र कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल कंपेयर किया जा सकता है, ईएमएफ ऑफ द सेल वी कैन फाइंड. ऐसे दो तीन काम होते हैं इसके, तो पोटेंशियोमीटर से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं. तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले इसमें क्या बताते हैं, एक इसका जो प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, आपको याद हो, जैसे इसका प्रिंसिपल देखते हैं। हाँ, तो इसमें एक चीज़ पहले थोड़ा सा इसके बारे में और बता दें सर्किट के लिए। तो ये देखो, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ निगेटिव, और ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना जरा इस चीज़ को कि हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने ये की ऑन किया, जैसे इस स्विच को ऑन किया, ये वाला की लगा हुआ है, आप देखिए ये बैटरी के द्वारा ये करंट आएगा इधर को, और ये भी पोटेंशियल, ये भी जो ईएमएफ जो सेल लगा हुआ है, इस सेल का भी ईएमएफ ई है मान के चलो, तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी इसका मतलब इट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल बहुत कम होगा। क्लियर? अब सपोज करो, ध्यान देना जरा थोड़ा सा, ये गैल्वेनोमीटर लगाया है हमने, ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है, ये जे। क्लियर? देखो ये जॉकी है, यहाँ पर ये डी पॉइंट है। अब आप देखो डी पॉइंट से हम मान के चलो यहाँ लाते हैं इसको, जॉकी को, ठीक है, ये हमने डी डैश किया, तो इट मीन्स ये जॉकी आपकी यहाँ आई। आप एक चेक करना कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पर और कम होगा। और अगर हम इस जॉकी को यहाँ ले जाते हैं इस जगह, दिस इज़ डी डबल डैश, तो यहाँ पर पोटेंशियल और कम होगा। तो आप एक चीज़ सोचो कि जैसे हमने यहाँ पर मान के चलो यहाँ 10 था, तो यहाँ पर आपका सपोज करो 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। क्लियर? तो आप देखना जरा, अगर ये 10 था तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये 10 है और ये 6 है, तो ये 4 होगा कि नहीं। तो सपोज करो इसको 8 मान लो, तो 10 माइनस 8 2, और अगर हम इसको 6 कर दें यहाँ, तो 10 माइनस 6 4। समझ में आ रहा है? आप एक चीज़ सोचना जरा यहाँ पर कि एक बात बताते हैं हम आपको, एक छोटा सा डायग्राम और बनाते हैं हम आपको यहाँ पर। जैसे मान के चलो हमने कोई एक सर्किट है, इसमें ये इस टाइप से सर्किट है, एक सेल ये लगा हुआ है और एक सेल ये लगा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान देना ज़रा, अगर सपोज करो हमने ये बैटरी 12 वोल्ट की लगाई है, समझ में आई बात। अब आप इसमें एक चीज़ देखो यहाँ पर, जैसे ये बैटरी हमने 12 वोल्ट की है और ये बैटरी भी 12 वोल्ट की लगा दो मान के चलो, तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया है कि इन दोनों में जो पोटेंशियल, मतलब आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इसमें। क्लियर? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कम, मतलब सेम है, माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मान के चलो ये बैटरी आपकी कम वोल्ट की है, सपोज करो दिस बैटरी इज 10 वोल्ट, तो अल्टीमेटली इसके द्वारा करंट बहेगा, बहेगा कि नहीं। ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको? तो कुल मिला के बात क्या होता है कि जैसे हम इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, ये करंट बढ़ता जाएगा, और जब जैसे ये मान के चलो ये पोटेंशियल अगर आपका 12 हो गया, तो आपका इसमें करंट नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, आप समझो इसको, जैसे ये क्या है, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो यहाँ पर 2 है और ये बैटरी सपोज करो 4 वोल्ट की है, तो अल्टीमेटली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट बहेगा, इसका बहेगा ऐसा, ठीक है। अब आप देखो ये थोड़ा सा बढ़ाया तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया डिफरेंस, जैसे सपोज करो ये 4 हो गया, यानी यहाँ पे 6 हो गया, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 8 था, यहाँ पर 6 हो गया, 10 माइनस 6 4, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो अल्टीमेटली अब इन दोनों में करंट नहीं आएगा ना, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आया बात? यानी यही कारण है। तो इसका मतलब हमने जैसे ही हम इस जॉकी को इधर पे खिसकाते हैं, तो यहाँ पर ये नल डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो इट मीन्स हमको क्या पता चल गया, अब देखो इसका पोटेंशियल हमें मालूम नहीं था, लेकिन हम इसका पोटेंशियल अगर हमको पता चल जाए ये चीज़, तो हम इसका पोटेंशियल पता कर सकते हैं कि कितना है। नहीं आई समझ में? जैसे अभी हमने इसको कहा था कि दिस इज 12 वोल्ट एंड दिस इज 12 वोल्ट, तो जब ये हमें 12 वोल्ट पता चल गई, तो हम इसमें समझ जाएंगे ये भी 12 वोल्ट की है, क्योंकि इक्वल है। तो इसका जो पोटेंशियल हमको निकालना है वो हम निकालते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर का जो डेरिवेशन है वो हम करते हैं। तो आपने देखो एक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के बारे में पढ़ा था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर है? समझ में आ गया? रेजिस्टेंस आपका क्या होता है,
रो इंटू एल अपॉन ए, अभी पहले हम करा चुके हैं इसको, तो लेंथ अपॉन एरिया। ओके, अब इसके बाद देखो हमने क्या किया, ओम्स लॉ क्या कहता है आपका, ओम्स लॉ के द्वारा अगर हम देखा जाए तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो V इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इंटू आई। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया कि नहीं? ओके, तो अब आप एक चीज देखो, एक और चेक करते हैं इसमें क्या, कि V इज इक्वल टू रो आई अपॉन ए इंटू एल, तो यानी ये क्वांटिटी अगर हम कांस्टेंट मान लें, समझ में आया, के मान लेते हैं हम इसको, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि V इज इक्वल टू के एल। ओके, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो V पोटेंशियल के L के बराबर हो गया पोटेंशियल, तो अब ये क्या हुआ K, जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया था ना आपको, ये देखो P इज इक्वल टू रो L, यानी रो यानी कि उसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, सॉरी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिया था इसको, तो यानी यहाँ पर हम क्या कहेंगे, K इज इक्वल टू क्या हुआ, V अपॉन L हो गया कि नहीं। ये चीज़ देखो, इस क्वांटिटी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, समझ में आ गया ना, ये आपकी जो क्वांटिटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है, के इज इक्वल टू वी अपॉन एल, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम को पोटेंशियल निकालना है तो कुल मिला के क्या हो गया, ये चीज आ गई ना, V इज इक्वल टू के इंटू एल, यानी किसी भी लेंथ लंबाई मालूम हो हमको तो ये तो K कांस्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो ये यानी कि उसकी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पोटेंशियल मिल जाएगा इसका। क्लियर, तो यही इसमें हम करते हैं कि ये जैसे सपोज करो हमको यहाँ पर ये एल मिल गया लेंथ, तो इट मीन्स हम इससे हम इसका वी इज इक्वल टू के एल यानी के का और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन वी कैन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ और ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ओके, समझ आया, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का समझ में आ गया, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिंपल आपको ये डायग्राम बनाना है प्रिंसिपल में, ये करके ये V इज इक्वल टू के एल, और हम ये प्रैक्टिकल है वो है इसको क्या है, जॉकी के द्वारा अगर हम जो लेंथ यहाँ पर आएगी उस लेंथ का पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ दैट सेल। क्लियर, अब क्या होता है कि इस पोटेंशियोमीटर का एक यूज और होता है, आपको हम बताएं यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का हम एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक ये आता है कि कंपेयर द ईएमएफ ऑफ पोटेंशियल सॉरी ईएमएफ ऑफ टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसमें करेंगे क्या हम, सिंपल यहाँ पर एक अलग से डायग्राम बनाए देते हैं, आप देखिए यहाँ पर देखना, ये सेम वही ये सेल लगा हुआ है आपका, ये रियोस्टेट है आपका, यहाँ पर ये की लगा देंगे हम, यहाँ पर ये देखिए, ये हमने बी ए एंड बी, दिस इज सी, क्लियर, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज निगेटिव, ये रियोस्टेट हो गया। अब देखो इसमें क्या किया हमने, एक ये सेल लिया जिसका ईएमएफ ईवन है और एक दूसरा सेल हमने ये ले लिया जिसका ईएमएफ ई2 है, क्लियर, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी जे। ओके, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें करेंगे क्या, देखो वही चीज सेम, इसमें जैसे ही हमने इसको इससे कनेक्ट किया, हमने इस जॉकी को मूव कराया, हमको सपोज करो ये वाली लेंथ मिली, दिस लेंथ इज L1, अल्टीमेट, समझ में आ गया ना कि नहीं, तो यानी कि E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू के L1, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। ओके, ठीक है ना, तो यानी कि क्या हुआ कि E1 इज इक्वल टू के L1,
अब यहाँ से हमको इसकी लेंथ मिल गई, लेंथ तो हमें मालूम हो जाएगी क्योंकि इसको फाइंड कर सकते हैं। सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, फिर इसको डिस्कनेक्ट किया हमने, इसको इससे लगाया। सेकंड केस में हमको क्या मिला, सपोज़ करो अब हमने इसको फिर मूव कराया जॉकी को, सपोज़ करो वो पॉइंट हमको यहाँ मिला, तो ये वाली लेंथ मिली हमको, दिस इज एल टू। ओके, तो यानी कि क्या हुआ, ई टू इज इक्वल टू के एल टू। ओके, समझ में आया। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो दिस इज ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू के एल वन अपॉन के एल टू। के से के कैंसिल, इट मीन्स ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। इन दिस वे वी कैन कंपेयर द ई एम एफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स का ई एम एफ हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, एक और है लास्ट क्वेश्चन इसका, जो क्या होता है कि आपको उसके लिए करना रहता है, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यू वांट टू फाइंड। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो वो और वैसे हालांकि ये और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस अपने यहाँ एमपी में, इनको आप कर सकते हैं। और अगर अपन को इंटरनल रेजिस्टेंस का करना है अगर हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, इसके लिए सिंपल एक यहाँ पर डेरिवेशन बता देते हैं सिंपल करके। हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही सेम तरीका पूरा, देखो बहुत स्मॉल उसमें बनाए देते हैं हम ये चीज। ये देखिए, ये गया, ये की बनाया यहाँ पर, ये आया, और ये देखो ये है एक, यहाँ पर हमने ये सेल लगाया। ओके, और इसको यहाँ पर जॉकी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज सेल, और दिस इज एक यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेते हैं इसमें, ठीक है। और ये हमने इसको, सॉरी एक काम करते हैं, ये और एक यहाँ पर इसके साथ की लगा दी, ये के वन कर दिया, दिस इज के टू, और एक ये। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखना ज़रा, देखो सेम वही चीज़ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये सी है, बैटरी लगा हुआ है, ये सेल है। अभी हमने इस की को ऑन नहीं किया, तो हमने इस की को ऑन किया तो इट मीन्स क्या होगा कि करेंट इस सेल के द्वारा जा रहा है। इसके द्वारा हमने क्या किया, ये जो जॉकी से L1 हमको ये मिला, समझ में आया। तो इस इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं हम, देखो यहाँ पर मिला हमको तो E इज इक्वल टू के एल वन हो जाएगा कि नहीं, अंडरस्टैंड? नहीं आया समझ में? वही चीज़ है सेम वो जो यहाँ फंडा किया था हमने। अब नेक्स्ट जब हम इस की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसका, और जो वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके द्वारा फिर ये लेंथ चेंज होगी इसकी, और जब ये लेंथ चेंज होगी तो इट मीन्स क्या होगा कि ये सपोज़ करो हमको यहाँ मिली L2 पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V इज इक्वल टू के एल टू कह देंगे हम उसको, अंडरस्टैंड? समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पर जब हमने पहले इसमें करना क्या, वही चीज़ यहाँ पे ध्यान दे लेना, आप तो चाहें इससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जब हमने ये इवन सेल से लगाया था तो ये हमको के एल वन मिला था, अब हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, जब रेजिस्टेंस लगाया तो इसका मतलब इस सेल का पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर, जब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसका मतलब वो जो पोटेंशियल होगा तो यानी ये लेंथ पर असर पड़ेगा, इसकी लेंथ एल टू आ जाएगी तो भी इज इक्वल टू के एल टू हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो V इज इक्वल टू के एल टू आपका आ गया। अब इसको देखो, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R E अपॉन V माइनस वन, ये याद है, ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड ईएमएफ के बीच का रिलेशन पढ़ा था, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर यानी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ और ये पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज माइनस वन, तो ई की जगह पे के एल वन और वी की जगह पे के एल टू,
तो के कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स वी विल गेट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। यानी देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको पता होगा, एल वन एल टू हमको मालूम है, इससे निकल आया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वी कैन फाइंड क्लियरली। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सुपीरियरिटी ओवर सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर सुपीरियर होता है पोटेंशियोमीटर से, सॉरी पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर टू वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर सुपीरियर होता है वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर में हमने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ पर बताया था कि पोटेंशियोमीटर से हम जो पोटेंशियल मेज़र करेंगे वो हमको एक्यूरेट मिलेगा, और इससे वोल्ट मीटर से जब हम मेज़र करते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं मिलता है। वोल्ट मीटर केवल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है, और जो पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल वी कैन फाइंड, और वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये सारी चीज़ें हम इसके साथ पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं, तो इट मीन्स पोटेंशियोमीटर ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या होती है, पोटेंशियोमीटर लेस सेंसिटिव भी बहुत होता है, समझ में आई बात, और वो सेंसिटिव भी नहीं है, अंडरस्टैंड। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट, मतलब ये लगभग हमने आपको फर्स्ट सॉरी सेकंड यूनिट जो अपनी है इनके मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने आपको बता दिए एमपी बोर्ड में, क्लियर। तो यानी सेकंड यूनिट आपकी यहाँ तक कंप्लीट होती है, इतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, क्लियर। तो यानी कि इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नया टॉपिक नेक्स्ट थर्ड यूनिट यानी मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आएगा, उसके बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट। तो आप इनको हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तो आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे और अच्छा भी लगेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम आए कहीं पर भी तो आप बता दें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।